हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैजिक तड़का विद रीना। और आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिना भिगाए, बिना मावा और बिना किसी ज़्यादा झंझट के। ये देखिए कितना बढ़िया, डिलीशियस और दानेदार मेरा मूंग दाल का हलवा बना है, बिल्कुल पार्टियों जैसा। और इसमें ज़्यादा घी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फ्रेंड, शादी पार्टी स्टाइल मूंग दाल का हलवा बनाने से पहले मैजिक तड़का विद रीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड, हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मूंग दाल ली है। ये बिल्कुल कच्ची मूंग की दाल है, मैंने इसे भिगाया नहीं है। अब मैं इसको धोऊंगी साफ पानी से। अभी देखिए इसका पानी वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो हमें इसको तब तक धोना है जबकि पानी एकदम इस तरह से साफ ना हो जाए। और धोने के बाद हम इसको छान के इसका सारा एक्सेस वाटर निकालेंगे और इसको बिल्कुल सुखा लेंगे। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है। अब इसको मैं अच्छे से पानी निकाल कर एक कॉटन के कपड़े के ऊपर पंखे के नीचे कम से कम आधा पौना घंटा इसको हमें रखना है ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। तो देखिए फ्रेंड, दाल का जो पानी है आधे घंटे में फैन के नीचे रख के थोड़ा ड्राई हो गया है। अब इसको हम और भी ड्राई करेंगे। उसके लिए एक मोटी कढ़ाई को लें और उसको गर्म करें और उसमें कुछ भी घी वगैरह नहीं डालना है। सिर्फ इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि ये दाल अच्छे से क्रंची या करारी ना हो जाए। और ये सिम आँच पे ही करना है, तेज में नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा हलवे का कलर है ना वो ब्राउन हो जाएगा, येलो नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसको भूनते जाएं और ये ड्राई होती जाएगी। अब देखिए कैसे छन रही है ना, देखिए दाल कितनी बढ़िया चनचनाहट कर रही है और हिल रही है। इसका मतलब ये 50% तक ड्राई हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हम कुछ और भी करेंगे, तो जो है हलवाइयों का सीक्रेट। हाँ जी, हलवाई लोग ये ज़रूर डालते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी का लिया है। अब ये 50% जब ड्राई हो जाए ना तभी इसमें ये सामग्री हमें डालनी होगी। अब इसको भी हम सेम आँच पे धीरे धीरे करारी होने तक भूनेंगे। दाल एकदम करारी हो जानी चाहिए फ्रेंड, और इसको जलाना नहीं है, कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सिम पे ही करना है। और धीरे धीरे भूनते जाएंगे ना आप, तो ये दाल का सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और दाल एकदम करारी हो जाएगी। अब ये देखिए हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट करारी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल दाना दाना इसका अलग हो गया है और ब्राउन भी नहीं हुई है। अब हमारा जो हलवा है ना वो पीले रंग का बनेगा, जैसे शादियों का होता है ना वैसी। अब ये देखिए कितनी करारी हो गई है हमारी दाल। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए। दाल ठंडी हो गई है तो मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है, बिल्कुल दरदरा। ये देखिए कितना बढ़िया पाउडर बना है। अब इससे हमारा हलवा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये कितना दरदरा बढ़िया पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जो है वो देसी घी का लिया है। घी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो डालिए और अपने हलवे को टेस्टी बनाइए। अब एक बड़े से भारी कढ़ाई में या पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी में। घी में ड्राई फ्रूट रोस्ट करने से उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सिम गैस में ही हमें करना है। पहले हम थोड़ा बादाम को करेंगे 1 मिनट तक सौटे और बिल्कुल सेम आंच पे करेंगे। और जैसे ही बादाम 50% तक हो जाए तो उसमें काजू भी डालेंगे और इसको भी ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। बादाम जल्दी से फ्राई नहीं होते हैं पर काजू बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने काजू को बाद में डाला था। अब इसको निकाल लेंगे और अब बिल्कुल सेम गैस पे ही अपनी किशमिश को हम फ्राई करेंगे। अब ये देखिए किशमिश कैसे फूल के मोटी हो गई है ना, तो बस इसको अब निकाल लीजिए, इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। और इसी घी में हम अपना दाल का पाउडर जो हमने प्री मिक्स कह लीजिए आप इसको, हलवे का या पाउडर कह लीजिए आप, इस पाउडर को 1 महीने तक के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड, और जब मन करे तब इसे बना सकते हैं। अब इसको हमने बस भूनते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी मिलाते जाना है। जितने प्यार से और सिम में धीरे धीरे आप इसको रोस्ट करेंगे ना उतना ही फ्लेवर इसका बढ़िया होगा। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डालती जा रही हूँ और इसको फ्राई करती जा रही हूँ सेम आँच पे।
ये देखिए कैसे बुलबुले इसके उठने लग गए ना। बस इसी तरह से आपने इसको अच्छे से जो है वो फ्राई करना है। ये देखिए मेरा जो हलवा है वो फ्राई हो गया है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी 4 कप दूध। हाँ जी फ्रेंड, इसमें फुल क्रीम मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें 4 कप मैंने दूध डाला है। और अब ये देखिए दूध डालते ही इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है ना, तो आप डरिए नहीं, ये वाइट सा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे मैजिक देखिए क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 1 कप गर्म दूध में 4 से 5 केसर के धागे डाल के भिगा दिए थे। अब इस दूध को भी हम अपने हलवे में डालेंगे, और हलवे में डालते ही इसका जो हलवे का रंग और टेस्ट है वो दोनों बढ़ जाते हैं। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए ना, फिर से इसका येलो कलर हो गया है ना हलवे का, बस कलर का हमें ध्यान रखना है, हमें इसका येलो ही कलर बरकरार रखना है। अभी देखिए कैसा चिपचिपा सा हो गया है ना, तो घबराए नहीं, इसको धीमे धीमे पकने दें। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो चीनी ली है, आप अपनी मर्जी और स्वाद के अनुसार इसमें चीनी का यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा कम खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी कम चीनी डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसको मिलाऊंगी और ढक कर इसको 1 मिनट तक के लिए हम पकने देंगे सिम पे। अब 1 मिनट के बाद देखिए चीनी ने अपना सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है, और फिर से हमारा जो हलवा है वो पतला बन गया है। अब हमें क्या करना है, सही मेहनत यहीं पे ही है, पर पहले तो मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डालूंगी और धीरे धीरे इसको हिलाते हुए इसको हम पकाएंगे। मेन जो हमें अपने हलवे को है ना घी में ड्राई फ्रूट के साथ इसी टाइम अच्छे से भूनना है फ्रेंड। तो हलवे को इस तरह से हिलाते जाएं और इसको अच्छे से भूनते जाएं। अभी देखिए हलवे ने घी को छोड़ दिया है और हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसी तरह से जब आपका हलवा घी को छोड़ दे और एकदम अलग अलग दाने नज़र आएं, तो समझिए आपका हलवा जो है बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए हमारा शादियों पार्टियों वाला मूंग दाल का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मैजिक तड़का विद रीना को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मेरी